हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिका किचन। आज मैं आप लोग के लिए न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हरे भरे कबाब। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनिका किचन। हेल्दी हरे भरे कबाब के लिए ये मैंने एक बॉल जो है सफ़ेद चनों का लिया है, जिसे मैंने बॉइल्ड कर लिया है और इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है क्योंकि हमें मिक्सी में पीसना है इसलिए। और एक बॉल मैंने न्यूट्रीला चंक्स का लिया है और ये मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी। ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं और इसे भी मैंने पानी से अच्छे से निचोड़ लिया है। अच्छे से इनका पानी जो है ये मैंने निकाल दिया था। तो अब इन दोनों को जो है हम मिक्सी में पीस लेते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इन दोनों को मिक्स करके मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूं। तो आपको जब भी ये कबाब बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब मसाला बनाने के लिए ये मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 हरी इलायची ली है, 5 लौंगे लिए हैं, 2-3 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 1 छोटी जावित्री ली है और 10-12 दाने मैंने साबुत काली मिर्च के लिए हैं, 5 टुकड़े मैंने पीपली के लिए हैं और 15 से 20 दाने मैंने कबाब दाना लिया है और 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 जायफल लिया है। अब इन सब खड़े मसालों को जो है हम 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे जो है हम खड़े मसाले इस पैन में डाल देंगे, मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। हमें जो है इन खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब खड़े मसालों का कलर जो है चेंज होने लगे तो आप जो है फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये देखिए खड़े मसाले जो है हल्के हल्के रोस्ट हो गए हैं। तो ये देखिए एक बॉल मैंने न्यूट्रीला चंक्स जो है मिक्सी में डाल दिया और इसी में अब हम जो है एक बॉल चने का डाल देंगे और दोनों को मिक्स करके पीस लेंगे। कबाब मटेरियल जो है मिक्सी में पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है, इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जितने में जो मसाला है ये अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए मिक्सी में जो है मसाला अच्छे से पीस गया है। ये देखिए पानी हमें उसी अकॉर्डिंग डालना है जितने में ये जो मटेरियल है पीस जाए। यदि हमने ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मटेरियल जो है पतला हो जाएगा और कबाब सही से बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए पानी हमें उतना ही डालना है जितने में जो है चने और न्यूट्रीला चंक्स जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। ये देखिए कितना डार्क है, ऐसे ही हमको पीसना है ये मटेरियल। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, उसे मैंने उसी मिक्सी में डाल दिया है जिसमें मसाला मैंने ग्राइंड किया था। इसमें हम 2 अदरक के टुकड़े डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे, ये थोड़ा सा लहसुन है, ये मैंने एक बड़ा लहसुन छीला था उसको ऐड कर देंगे। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है तभी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जो लोग नहीं खाते हैं उसे ये स्किप भी कर सकते हैं। 1 मैंने प्याज छीला है उसे भी ऐड कर देंगे। ये 1 प्याज ऐड कर दिया है मैंने जो लंबे स्लाइस में मैंने काट लिया था और जो खड़े मसाले हमने फ्राई किए थे उसे ऐड कर देंगे और इसमें जो है थोड़ा धनिया ऐड करेंगे जो कि हरे भरे कबाब करेगा। इसमें मैंने जो है 100 ग्राम धनिया ऐड किया है, इसको हम ग्राइंड कर देंगे। मैं जो है चनों के साथ ही खड़े मसाले और धनिया को पीसना है जिससे कबाब का कलर जो है अच्छा आए। देखिए कबाब मटेरियल जो है मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब जो दोबारा मैंने करा था ग्राइंड उसको हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के बेसन ऐड कर देंगे, 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, अब मटेरियल को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। 1 टीस्पून इसमें चिकन मसाला ऐड कर देंगे, चुटकी भर अभी मैंने अजवाइन ऐड किया है, 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक हमें अपने स्वादानुसार ही ऐड करना है, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम चूर ऐड कर देंगे, चुटकी भर इसमें हींग ऐड कर देंगे, 1 चम्मच इसमें हम पिसा अनारदाना ऐड कर देंगे, आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे इसमें,
जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और अब सब मटेरियल को जो है हम मिक्स कर देंगे। यदि आपको मटेरियल पतला लगे थोड़ा तो उसमें आप बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए कबाब मटेरियल जो है हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे फ्रिजर में आधे घंटे के लिए सेट होने रख दूंगी। यदि आपको जल्दी कबाब बनाने हो तो आप इसे फ्रिजर में आधे घंटे के लिए सेट होने रख सकती हैं। यदि आराम से बनाने हैं तो आप इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। हम इसे फ्रिजर में मैं आधे घंटे के लिए सेट होने रख दूंगी। तो देखिए मटेरियल को रखे हुए फ्रीजर में आधा घंटा हो गया और मटेरियल भी जो है सेट हो गया है। और अब हम जो है कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने एक तवा रखा गरम होने, और तवा जो है गरम हो गया है। अब इस पर 1 चम्मच ऑयल हम ग्रीस कर देंगे। हमें जो है तवे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। तो ये देखिए कबाब का मटेरियल ले लिया है मैंने हाथों में। हमें इसे टिक्की की शेप में देना है। तो ये देखिए ऐसे ही हम एक एक टिक्की करके तवे पर डाल देंगे। तो ये देखिए ऐसे ही हमें हर टिक्की बना के गोलाई के आकार में तवे पर डाल देना है। तो ये देखिए तवे पर मैंने जो है टिक्कियां सारी बना के टिक्की आकार में डाल दिया है कबाबों को। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं और शैलो फ्राई भी कर सकती हैं, बट मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयली जो है आजकल के बच्चे नहीं भी पसंद करते हैं, तो ये हेल्दी है इसलिए इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। और फ्लेम को जो है हमें मीडियम ही रखना है, और हल्का हल्का 1 चम्मच हम इन पे ऑयल डाल देंगे। तो टिक्कियों को हमें हल्के हल्के हिला देना है जिससे चारों तरफ से जो टिक्कियां हैं रोस्ट हो जाए। इनको जो है अब हम लो कर देंगे और इन पर भी 1 चम्मच जो है ऑयल डाल देंगे और इसे हाथ की सहायता से हिला लेंगे। तो अब जो है कबाब को हम देख लेते हैं पलट के कि नीचे से सिक गए हैं नहीं सिक गए। तो देखिए कबाब जो है नीचे से अच्छे से सिक गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी कबाब लगते हैं, एकदम बिल्कुल शामी कबाब का टेस्ट देते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए सारे जो है कितना अच्छा कलर आ गया सब पे, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं सब। तो ये देखिए कबाब जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व चटनी के साथ। ये देखिए अब जो है हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जरूर ट्राई करिएगा और लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।